हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई विजिट वीज़ा के बारे में। दुबई का जिस तरीके से क्रेज चल रहा है मार्केट में, तो लोग हर कोई दुबई जाना चाहता है और लोग मैक्सिमम लोग हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए दुबई जाना चाहते हैं। जिसमें से मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, वो विजिट वीज़ा के थ्रू जाते हैं और वहाँ पर जॉब सर्च करते हैं या फिर व्हाटएवर जो भी वो जाते हैं अपने काम से रिलेटेड। तो विजिट वीजा में उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, इसे उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके ऊपर कि अगर आप भी विजिट वीजा से दुबई आ रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे कोविड के बाद में दुबई ने अपना जो एयरलाइंस का ऑपरेशन है वो फिर से रिज्यूम किया था। तो उसके बाद में काफी सारी चीजें उन्होंने चेंजेस की थी। पहले लोग क्या डमी टिकट लेके होटल बुकिंग ये सब डमी दिखा के दुबई में एंट्री कर लेते थे और बहुत से वहाँ पे इलीगल काम करने लग जाते थे विजिट वीजा लेके आने के बाद में। तो अभी उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए हैं अपनी पॉलिसीज में। तो आपको जैसे आप 1 महीने का 2 महीने का विजिट वीजा लेके आ रहे हैं तो आपको खास चीज ध्यान रखनी है, आपके पास में एक होटल बुकिंग होनी चाहिए जो कि एकदम कंफर्म होनी चाहिए। अगर एयरपोर्ट पे वो चेक करें तो वो शो होनी चाहिए और साथ में साथ आपको एक अपना जो रिटर्न टिकट है वो भी उसका PNR एक्टिव होना चाहिए। जब तक आप दुबई एयरपोर्ट क्रॉस करके आप दुबई में एंटर नहीं कर जाते तब तक वो PNR आपको एक्टिव दिखाना चाहिए। बहुत से लोग क्या डमी टिकट लेके आ जाते हैं और उसके बाद में एयरपोर्ट पे उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है तो वहाँ से वो इंडिया वापस डिपोर्ट कर देते हैं। अगर आपके पास में कुछ भी मिसिंग है डॉक्यूमेंट तो आपको प्रॉपर वो करना है। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की बात आपको, और इसके साथ में आपको कैश लेके जाना है मिनिमम 4 से 5 हज़ार UAE dirhams, वो आपके साथ में होनी चाहिए अगर आप विजिट वीजा लेके आ रहे हैं। ये कोई ऑफिशियली मेंशन नहीं है कि आपको 5 हज़ार दिरहम ही लेके आने हैं, लेकिन एक एटलीस्ट अगर आप 2 महीने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास 3 से 4 हज़ार दिरहम इन हैंड होना चाहिए कैश, ताकि आपको कोई इश्यू फेस नहीं करना पड़े। ये तो हो गया विजिट वीजा का। अभी अगर आप होटल बुकिंग नहीं करना चाहते हैं और आप दुबई में आ रहे हैं विजिट वीजा लेके, आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स किसी के पास जा रहे हैं, तो आपको एयरपोर्ट में क्या शो करना पड़ेगा? आपको एयरपोर्ट में शो करना पड़ेगा उस बंदे की एमिरेट्स ID, उस बंदे का लोकल मोबाइल नंबर, उस बंदे का फोटो। ये सब सारी चीजें एयरपोर्ट पे अथॉरिटी वाले चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर वो आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है तो आपको अलाउ करेंगे टू एंटर द दुबई। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जब भी आप दुबई आए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी जो भी आप प्लानिंग करें, तो अपने विजिट वीजा से रिलेटेड अगर आप घूमने के पर्पज से आ रहे हैं तो सारी चीज़ें कंप्लीट रखें ताकि आपको कोई भी ट्रेवल संबंधी इश्यू ना हो। दोस्तों, ये थी दुबई टूरिस्ट वीजा से संबंधित छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्रूज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो क्रूज से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।